सारे गारे गा बागा बानी बाने सा सारे दिना नी बागा रे गारे सारे नी सानी दा बादा नी सारे गा बागा रे जा इस तो डाडा Thank you.
हमें हमेशा कामयाबी मिली और बड़ा काम किया है। आप सबके सामने हमने कितने कितने बड़े शोज़ करवाए हैं, वो तो सारे के सारे हमारे सोल्ड आउट। और अब ये शो जो होने जा रहा है सितंबर 17 को, ये भी आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ये भी एक हिस्ट्री बनने जा रही है और एक या दो दिन में आपको कुछ भी मिलेगा इंशाल्लाह, ये भी सोल्ड आउट होने जा रहा है। और ऑलमोस्ट पहले ही वेरी वेरी क्लोज है, क्योंकि काफ़ी हमने काम किया इस पर, होमवर्क किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और इसमें मैं अकेला इसमें इन्वॉल्व हूँ इस दफ़ा, इसमें मेरे साथ सुखी निजे जी जो कि किसी कारण के मुताज नहीं है, क्योंकि ये वकील दूर की जेर साया आप कह लो भी, इन्होंने बहुत सारे शोज़ करवाए हैं। और जितने भी तिया का मेला जो कि पंजाबी शो है, पिछले 20 सालों से ये शोज़ करवा रहे हैं, तिया का मेला पंजाबी मेला है। और ओवर 7000 लेडीज़ वहाँ पर होती हैं, कभी भी आपने ये देखा नहीं होगा सिर्फ लेडीज़ एक ही छत के नीचे और शो कामयाब हो, ये सिर्फ क्रेडिट इनको ही जाता है, इन्होंने हमेशा जो कोशिश की है। और इनके साथ साथ मेरे साथ एक और जो हमारे पार्टनर है वो परविंदर मांगड़ जी, परविंदर मांगड़ जी आज बहुत बड़े मॉर्गेज ब्रोकर और साथ साथ रियल स्टेट कंपनी के मालिक हैं, ब्लू रोज के नाम से वो चला रहे हैं और बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा रिजल्ट है उनका, कामयाब आप कह लो रियल स्टेट में भी और मॉर्गेज में भी बड़ा काम कर रहे हैं। वो हमारे पार्टनर हैं सुखी साहब और मैं, तीनों लोग हम मिल के कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो कोशिश रही है हमेशा यही रही है कि जो भी करना है अच्छा होना चाहिए। अब इस दफ़ा हमने क्या चेंज किया, हमने हॉल बहुत अच्छा पीस किया जो कि टोटली साउंड प्रूफ है, और साउंड प्रूफ में उसमें आपको वाकई मज़ा आने वाला है। जिस तरह जो भी पिछले शो में हमारी थोड़ी सी कमी रह गई थी साउंड की तरफ से, लेकिन वो हमने सारी कमी यहाँ पर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अब जो आप लोग आएंगे उसमें आपको एक सेकंड के भी फील नहीं होगा यार किसी वजह से भी ऐसे लगा या आप फील बोर हो रहे हैं। बाकी जोजली खान साहब इतने बड़े सिंगर हैं, अभी थोड़े से अपने फन का मुजाहरा करेंगे आप सबके सामने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको भी वो आपको थोड़ा सा सुनाएं। इतने बड़े सिंगर हैं आज की डेट में, मेरा नहीं ख्याल मैंने इनसे बड़ा कोई सिंगर देखा है आज की डेट में, बता रहा हूँ कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़े, खाली सिंगर नहीं क्वाल भी बहुत अच्छे हैं इनमें, वो ऑल इन वन कहते हैं ना, भी हर खूबी है, जो भी आप सुनना चाहते हैं आप सिर्फ आपने रिक्वेस्ट भेजनी है वो ही सुनाएंगे आपको, इस तरह के इस लेवल के सिंगर हैं। और इन्होंने बहुत सारे गाने खुद निकाले हैं, बहुत सारे कामयाबियाँ इनको मिली हैं, और साथ साथ जो खाली कामयाबी नहीं है, अभी मैंने एक गाना एक वीक पहले डाला, ओवर 200 व्यूज हो गया ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये हुआ भी इनका नाम और इनका काम है, लोग तरस रहे हैं इनको सुनने के लिए। और पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड वाइड आप कह लो जितने भी इन्होंने शोज़ किए हैं सारे के सारे कामयाब, और सभी शोज़ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, कोई मेरा ऐसा शो नहीं नज़र आया मुझे जो इनका शो सोल्ड आउट ना हो और वहाँ पे लोग ना बैठे हों, हर जगह पे लोग बैठे होते हैं पूरी तसल्ली के साथ। और सबसे बड़ी बात है लोग आखिर तक बैठे रहते हैं, जिस सिंगर को लोग सुनने के लिए आखिर तक बैठे रहे तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा सिंगर कोई हो सकता है। तो मैं भी जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, आपको पता है मैं 2-4-6 दिन के लिए जाता हूँ सिर्फ, लेकिन जब भी मुझे चांस मिलता है मैं इनको रिक्वेस्ट लाजमी करता हूँ, भाई अब कौन सा शो मैंने सुनना आगे, और मैं स्पेशली इनके शो को सुनने के लिए जाता हूँ, तो इसका मतलब आपको अंदाजा हो गया होगा कितना बड़ा नाम है। और इसके अलावा हमारे साथ साथ सुखी निजर जी, और बहुत मेहनती इंसान, बड़े कामयाब और शो बिज़ में नंबर वन जुवेद गुजर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, थैंक यू जुवेद साहब, और आएँ प्लीज़ इधर ही आ जाइए। और सुखी निजर जी ने भी जितने भी शोज़ कराए सभी में हिस्ट्री बनाई है, और अभी भी जो शो इन्होंने सोल्ड आउट ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट अभी कहूँगा क्योंकि अभी दो दिन पड़े हैं, ऑलमोस्ट जो सोल्ड आउट किया तो मेरा ख्याल है ज़्यादा परिवार वांगू रह रहे हैं, पर ये नहीं कभी सोचा कि पाकिस्तान तो जब इंडिया तो एक दूसरे बच्चे भी साढ़े अठाई सारे जमे पड़े हैं, और बहुत चंगा लगता जो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, जिम्मेवारी कर ला दें कि तुम आह काम करो। सो इस तरह शाह साहब ने पाकिस्तान जाना सी, तो मैंने कहते कि आप करना है भी बड़े साल तो आप लगे हैं उन्होंने लैके आइए। सो बहुत मेरे ख्याल चापड़े लिए बड़ा चंगा सुनहरी मौका है कि अपने कोल पहुँचे हैं, और अपने दोनों वतनों के गीत गाएंगे, दोनों वतनों के लोग उत्थे जिहड़े आ उह मौजूद होणगे देखण दे लई, एक तरह की एक दुबारा फिर अपनी सांझ है। और इन्हां मुल्कां दे विच तां मल्टीकल्चरल है, आपां कदी सोचिया भी नहीं कि 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 कि
मैं तो यही कहूँगा कि शो की जो साउंड हॉल है नवा हॉल हैगा और बहुत अच्छा हॉल है, बहुत अच्छी स्टेज है, बहुत अच्छा लाइटिंग का प्रबंध होगा। बाकी ये है कि तुम सारे ने उत्थे आना कि अज भी इतने पहुँचने की बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद है, सारे मीडिया का धन्यवाद है जिन्होंने सुना मैसेज सारे तक पहुँचाया। तो खान साहब ने एक बार फिर वेलकम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी जी। और इसके साथ साथ जोजीली खान साहब ने तो अपने फन का मुजाहरा करना ही करना है, और शगुफ्ता गज़ल जी ये भी परफॉर्म करने जा रही है, क्योंकि ये जब पाकिस्तान में गई थी तो इनके साथ बहुत सारे इनको चांसेस मिले, राणा साहब ने बहुत सारे शोज़ करवाए इनके, शगुफ्ता गज़ल के और जोजीली खान साहब के, तो वो जितने भी शोज़ थे सारे के सारे राणा साहब बैठने से वहाँ पर जितने भी कामयाबी मिली इनको बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको फिर दोबारा चांस दिया जाए और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो माशाल्लाह अभी तक जितना भी हमने काम किया मिलजुल के बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया सारा। और इसके अलावा हरजीत सिंह, हरजीत जी हमारे दोस्त जो कि हमारे ऑलवेज कह लें हमारे साथ होते हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा आप क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच शाह जी और सारे ने आए हो। सब तो पहली गल तो यह है कि आप मिस्टर जगजीत खान साहब न सुनने वास्ते उन्होंने जो प्रोग्राम रखा जा रहा है वो वास्ते अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो स्पेशली तौर रखे आए आप सारे का एक फर्ज बनता है कि आप सभी लोग इनके लिए जोरदार ताड़ी मारे प्लीज। और पिछले दिनों में स्टूडियो भी आए थे, लास्ट फ्राइडे आए थे जिथे शाह जी भुल गए थोड़े मोटे शो मैं भी कराए हुए हैं शाह जी और अच्छे गाने जोड़े होंगे असं उन्होंने ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। मैं जोजी खान साहब ना लास्ट फ्राइडे जो स्टूडियो आए थे मैं यही गल कर रहा है कि इतने जिन्हें शो असी पंजाबी विरसा रेडियो टैलीविजन के बैनर थले हुए हैं एक अच्छे आर्टिस्ट को असं लैके आए हैं, भावें वो आर्टिस्ट इंडिया के हो भावें पाकिस्तान के होना। और मैं समझता कि अज जी मीटिंग हैगी जी कॉन्फ्रेंस हैगी वक्त वक्त चैनल्स के वक्त वक्त सोशल मीडिया के थ्रू जी चीज़ा बाहर जा रही हैं और असी ना लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए है जोड़े अच्छे गाते हैं। जोड़े लोग अच्छे नहीं गाते वो लोग बहुत जितने फाइनैशली तौर पर स्ट्रॉग डे बाई डे हो रहे हैं और उसके नीति के मैं समझा भावें वो साड़ी हिंदुस्तान की हो भावें पाकिस्तान की। आपने आज तक जितने भी शो करवाए हैं सुपर हिट हुए हैं, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि ये शो भी माशाल्लाह बहुत सुपर हिट होगा, तो इसके लिए मैं अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और मेरा छोटा ब्रदर रिजवान शाह जी और हमेशा रिजवान शाह ने हमेशा साढ़े नाल पिछे बह के दुआवें भी कीतिया और काम जी मेरा ख्याल 95% होगा जा रहे हैं यहाँ पर आए और आपको लेकर आए हैं, तो में ऐसे प्रोग्रामों की बड़ी डिमांड है, लोग सुनना चाहते हैं अपने लेवल से, कोई आता है हवा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मीडिया के बीच में हम जैसे पॉलिटिकल वर्करों को बुला लिया। मैं जोजी अली खान साहब को वेलकम कहता हूँ कि इनका तलक मेरे डिस्ट्रिक्ट से है और बड़े प्यारे इंसान हैं और लोग हमेशा यहाँ पे पॉप रॉक दिस एंड दैट ये तो सुनते ही रहते हैं सारा कुछ है। तो ये जो आपने सूफी नाइट का इसको नाम दिया है लगता है कि माशाल्लाह ये बड़ा सक्सेसफुल शो जाएगा जैसे कि सुनने में आ रहा है। आराम से आज मेरी तरफ मुलाकात हुई और अभी आपको सुना नहीं है बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सो मच। सबसे पहले तो कल मेरी इनसे बहुत अच्छे से मुलाकात हुई है, देयर आर रियली गुड इंटरव्यूअर टोरंटो 360 टीवी, सो थैंक यू फॉर बुलाने के लिए। और मैं यही कहूँगी कि जो शाह एंटरटेनमेंट के अवेयर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो एक कम्युनिटी को लेकर नहीं चलते, वो हमारे इंडियंस को भी पाकिस्तानियों को भी और यू नो कम्बाइन अवेयर होता है, तो इसमें आपको दोनों लोग मिलेंगे दोनों। कैनेडा की वेरी फाउंडेशन इज डिवर्सिटी और डिवर्सिटी क्या है कि डिफरेंट ममालिक के जो मिलकर बैठते हैं सो यूनिटी और ये नासर शाह सल्यूट टू यू दैट यू यूनाइट द डिवर्स टुगेदर द
which is Canada. Thank you. So in Canada, everything is possible as far as we have to do. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आप सबको जो जो यहाँ मौजूद हैं वेलकम टू कैनेडा जोजी खान साहब मैं फौजिया खान आप जोजी खान बहुत मज़ा